की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस सहित स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। बता दें कि कुछ वक्त पहले आतंकी फरकतुल्लाह घोरी का एक टेलीग्राम मैसेज सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा था। उस मैसेज में उसने भारत में मौजूद अपनी स्लीपर सेल से भारत के रेल नेटवर्क को निशाना बनाने की बात कही थी। इसके बाद से स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन समेत सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं और गहनता से छानबीन कर रही है। रविवार और सोमवार की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें ये घटना हुई, जिसकी की सूचना हमें अगले दिन आरपीएफ रेलवे अथॉरिटीज द्वारा दी गई। तो मौके पर पुलिस पहुंची तो इसमें जो प्रथम दृष्टया देखने पे लग रहा है कि किसी ने जो सीमेंट के ब्लॉक्स, कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं वो पटरी पर रख दिए, जिसकी वजह से वहाँ से जो एक मालगाड़ी गुजरी उसको कुछ नुकसान हुआ। रेलवे की तरफ से एक FIR दी गई जिस पे कि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इस संबंध में लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि भई ये क्या कारण रहा है इसके पीछे और जो भी दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीती देर रात अजमेर के निकट ग्राम सरादना रेलवे प्लेटफार्म पे एक घटना होते होते बची है, जिसमें किसी शरारती तत्व ने, असामाजिक जो तत्व होते हैं उन लोगों ने जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर 70-70 किलो के दो भारी भरकम सीमेंट के ब्लॉक रख दिए थे, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची है। गनीमत रही कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जो उस वक्त जो है मालगाड़ी वहाँ से गुजरी और मालगाड़ी की स्पीड तेज़ होने की वजह से मालगाड़ी ने उन दोनों ब्लॉक को जो है उखाड़ते हुए दोनों साइड में पटकते हुए मालगाड़ी वहाँ से गुजर गई। लेकिन जब मामले की जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे को लगी तो वो देर रात मौके पर पहुँच कर उन्होंने तथ्य जुटाने का जो है जो तथ्य जुटाया और मामले की जांच को आरंभ कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व जो है फरकतुल्ला घोरी का जो एक टेलीग्राम सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगा था, जिसमें साफ तौर से टेलीग्राम में लिखा हुआ था कि रेलवे ट्रैक को तोड़ो, प्रेशर बम से रेलवे ट्रैक को उड़ाओ और या फिर रेलवे ट्रैक के ऊपर सीमेंट के भारी भारी ब्लॉक को रखे जो है एजेंसी रेलवे को जो है भारी नुकसान की, जैसी बातें फरकतुल्ला गौरी ने जो है लिखी हुई थी। उसको लेकर के जो है प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसी जो है पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई हैं। कुछ देर पहले अजमेर की पूरी सुरक्षा एजेंसियां रेलवे प्लेटफार्म पर जिस वक्त अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, कुछ देर पहले पूरी जाँच करके यहाँ गई हैं। यहाँ से ब्लॉक्स और कुछ लोहे के टुकड़े जिनको मिले हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने यहाँ से बरामद किए हैं और लेकर आसपास के जो खेतों में जो लोग काम करते हैं उनसे भी उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी हासिल जुटाई है। पुलिस प्रशासन का, सुरक्षा एजेंसियों का साफ तौर से कहना है कि जिसने भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है उसको बहुत शीघ्र पुलिस प्रशासन जो है अपनी गिरफ्त में ले लेगा और इस तरीके के जो लोगों को उनका ये भी कहना है कि उनसे पूछताछ, गहनता से पूछताछ की जाएगी कि किसी प्रकार से उनके जो तार हैं फरकुद्दीन फरकुद्दुल ओला से तो नहीं जुड़े हुए हैं। अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए अजमेर जैसे शहर के अंदर अगर उनके जो गुर्गे अगर यहाँ पर हैं तो पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई हैं और पूरी तरीके से जाँच छानबीन में जुट गई हैं। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। जयपुर में बनी